दुष्यंत ने हरियाणा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कहा है कि सरकार यदि किसानों की सच्ची हितैषी है तो लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले सातवां वेतन आयोग लागू करें। शनिवार को जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने मनोहर सरकार पर जमकर निशाना साधा। दुष्यंत ने कहा कि सामाजिक तौर पर लोग हरियाणा में जो विकासात्मक बदलाव चाहते हैं वे जेजेपी से जुड़े रहे हैं, मगर हरियाणा की खट्टर सरकार लगातार जनहित की अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों की मांग को लगातार दरकिनार कर रही है। उन्होंने मांग की है कि लोकसभा की आचार संहिता लगने से पहले सूबे के कर्मचारियों की मांग पूरी करते हुए सातवें वेतन आयोग को लागू करें। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा की सीएम से मुलाकात के सवाल पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इनेलो की जो परिस्थितियां हैं उन पर इनेलो को टिप्पणियां करनी चाहिए। वो एक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष है, उस संगठन की जो आज हालात है उस पर मेरा टिप्पणी करना कोई ज्यादा बनता नहीं। दो पूर्व विधायक कल बीजेपी में शामिल हुए, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री से मिलते हैं। जो भी परिस्थितियां हैं मुझे लगता है इसके ऊपर वो खुद टिप्पणी करे तो बेहतर होगा। जींद के नतीजों पर उन्होंने दावा किया कि नतीजे के बाद से इनेलो से कन्नी काट रहे हैं, जबकि आज लोग ना कांग्रेस ना ही भाजपा और ना ही कोई अन्य दल बल्कि सिर्फ जेजेपी से जुड़ना चाहते हैं। तो हालात है, लोगों ने पूरी तौर पर जींद में जो रिजल्ट दिया उस दल को पूरी तौर पर लोगों ने छोड़ने का इग्नोर करने का काम किया है और ये स्पष्ट हो चुका कि आज प्रदेश के अंदर जो बदलाव है वो ना कांग्रेस ना एनएलडी ना बसपा लसपा। आज अगर कोई जुड़ना चाहता है और प्रगति के पथ पर किसी के साथ मिलकर चलना चाहता है तो वो जननायक जनता पार्टी। दुष्यंत ने कहा कि आपके साथ 30 सदस्यीय कमेटी की बात हुई है, बातचीत में मुझे कोई जानकारी आंकड़ों की नहीं है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस इनेलो के खिलाफ कोई त्याग करना पड़े करेंगे। कि बदलाव के लिए जहां कोई हमें त्याग करना पड़ेगा, चौधरी देवीलाल ने कभी लालच नहीं किया था, हम त्याग करने को तैयार हैं। मगर जहां आपने स्पेसिफिकली 8-2-5-5 की बात करी तो ना मैं उस कमेटी का सदस्य हूं और ना ये मेरी जिम्मेवारी है। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव की घोषणा के साथ ही 4 लोकसभा उम्मीदवारों की सूची जेजेपी जारी करेगी। अन्य दलों को निशाने पर लेने वाले दुष्यंत भले ही जेजेपी को मजबूत बता रहे हों, मगर कुछ वक्त पहले बनी इस नई पार्टी को हरियाणा की जनता कितनी तवज्जो देगी ये लोकसभा के चुनावी नतीजे आने के बाद साफ होगा। चंडीगढ़ से टोटल न्यूज के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट।